अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? कुछ अर्से पहले मैंने एक गरीब ख़ानदान की वीडियो बनाई थी, आज उनके लिए मदद आ चुकी है। तो चलें हम आपको दिखाते हैं उनकी मदद किसने की है और उनके लिए क्या क्या चीज़ें भेजी हैं। तो आज दिखाए थे कि ये देखें कैसे टूटा हुआ है और ये गंदा पानी घर का इधर ही खड़ा है और टूटी हुई दीवारें हैं। तो इन्होंने इनकी मदद किसने की है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो बेचारी इनके घर रहती है जिनको बांधा हुआ है, पास ही ये देखें भैंस का गोबर पड़ा है और गोबर के साथ बैठी है। ना इनके लिए चारपाई है, बताया था पहले भी, ना बिस्तर है। और इनको ये देखें, ये देखें ऐसे बांध के रखा हुआ है। ये इंसान हो के जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रही है। हमारे मुल्क में कोई देखने वाला नहीं है कि गरीब किस हाल में मर रहा है। इसकी हालत देखें, गोबर पड़ा है और साथ भी बैठे। ये देखें बेचारी की हलाई, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इस तरह का जो गोबर पड़ा होता है हम तो उसके पास से भी नहीं गुजरते, और ये उधर बैठी है, सोती भी इधर है इस गोबर में। ये देखें ढेर लगा हुआ है, और अल्लाह माफ़ करे किसी के जानवर भी इनके अपने नहीं हैं, वो भी किसी ने बांधे हुए हैं और ये गोबर के साथ बैठी है बेचारी। आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये ना बेचारी दुनिया से खफा है, इस तरह लग रहा है कि ये सब लोगों से खफा है अपनी इस हालत के बारे में। अपनी ये जो देखें, अब मैं क्या कहूँ, ये देखें गोबर इनके हाथों को लग रहा है, इनके पाँव को लग रहा है। ये देखिए कमज़ोरी की वजह से, खुराक ना होने की वजह से इनके हाथ पांव, और ये देखिए चेहरा कैसे कांप रहा है। अभी ये थोड़ी देर पहले खड़ी हुई थी तो इनकी सारी टांगें, सारा जिस्म कांप रहा था। इनके लिए कुछ कपड़े और जो है राशन वगैरह लेके आए हैं, और बाकी इनकी मुकम्मल ये सुधारना, तो ये अगर कोई सोचे इनके बारे में, कोई देखे तो शायद सुधार दे। ये देखें चारपाई नहीं है, मैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूँ कि ये गोबर के साथ बैठी हैं। ये इनके लिए कपड़े हैं, दो सूट हैं सिलवा के लाए हैं। तो अब ये कपड़े बेचारी कैसे पहनेगी, बैठना तो इधर नीचे ही है। बाकी इंशाल्लाह और भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अब इनके लिए बिस्तर भी नहीं है, अब इंशाल्लाह इनके बिस्तर का कोई इंतज़ाम करेंगे और देखेंगे कि ये थोड़ी ज़रा चारपाई पर तो बैठ सकें, नीचे गोबर में तो ना बेचारी बैठी रहें। तो बाकी हम चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये वाली बहन ने जिसकी वीडियो बनाई थी, इनके लिए राशन भेजा है नौरीन बहन और निगत बहन ने। तो माशाल्लाह बड़ा फूड पैक है, 10-10 हज़ार का इनके लिए भेजा है, 10 हज़ार का और घर है उसके लिए भेजा है। तो बाकी हम आपको दिखाते हैं चीज़ें। ये देखें फूड पैक, अब इनके जो शोहर हैं वो बताया था कि वो बीमार हैं और साइकिल पे, अब किसी को साइकिल पे भेजते हैं, साइकिल पे पतिस्ता बेचते हैं। तो उनके लिए इंशाल्लाह किसी चीज़ का इंतज़ाम करेंगे, कोई रेड़ी वगैरह का, तो जैसे ही इंतज़ाम होगा तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल इनके ये जो राशन है ये नौरीन बहन और निकत बहन ने अपने वालदैन के साले सवाब के लिए भेजा है। अल्लाह ताला उनको इनका अजर दे, उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। उनके लिए पैसे भेजे हैं वो है मारूफ तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट है, उनकी तरफ से उन्होंने इनको लिए कपड़े और पैसे भेजे हैं। मैंने कहा जो चीज़ें आप लोगों को भेजी हैं उनको लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? जी अल्लाह उनको प्रे दे रहे हर चीज़, जो भी चीज़ पट में प्रे है नसीब की है, अल्लाह सुना उन्हें कोई हर चीज़ बच्चे की दुआ हो, अल्लाह वादी जिंदगी हो, और उनके माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हैं, माँ पे की दुआ है। देखिए मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सारे दुआ के लिए हाथ पर हैं। हम नौरीन सिस्टर और निगत सिस्टर की जो वालदा है वफात पा चुकी हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इनकी मदद की है अल्लाह ताला उनको
और ज़्यादा मदद करने वाला बनाए। अल्लाह ताला उनके दुनिया की सारे दुख दूर कर दे और आखरत में उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखरत में कामयाबियाँ अता फरमाए और उनकी हर परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ होती है जो मुँह से दे ही जाए, पढ़ के देती हैं। और एक जो इस तरह के बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, ये देखें, मैंने भी इनका देखा, ये देखिए कपड़े बेचारे के फटे हुए पहने हुए हैं, और बच्चे परेशान। अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। और जिस सिस्टर ने, ना सिस्टर हैं मारूफ तबरेज़ वेलफेयर की, पूरी टीम के लिए दुआ गो हैं जो इस तरह गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह से इन गरीब लोगों का चूल्हा जल रहा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखरत की कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मारूफ तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये इनको दिया है, और इनके सारे बच्चों के लिए और इनके लिए कपड़े हैं, दो दो सूट हैं सबके लिए, और जो अम्मा को बांधा हुआ तो उनसे उनके दो सौ सूट हैं, इनके शोहर के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं। ये आपके दो सूट हैं, आपकी बच्ची के हैं, और आपके ये गर्म कपड़े हैं इनके बच्चों के लिए। इनके तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए सिले हुए कपड़े हैं। इनके पूरी फैमिली के लिए कपड़े हैं, ये सारे इनके दो सूट हैं, बच्चों के सारे कपड़े हैं, और जो है ना गर्म कपड़े हैं उनके लिए सर्दियों वाले, और दूसरे सूट इस तरह के पहनने वाले आम कपड़े हैं, और जो अम्मा बांधी हुई है उनके लिए कपड़े हैं। ये सब कुछ मारूफ तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।